मैडम का फोन चालू है हमेशा की तरह। आज मौसम एकदम, एक सेकंड ना गाइस, आज मतलब क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, पूरे धूप वगैरह कुछ नहीं है, क्लाउड से प्लेजेंट है, गर्मी भी नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पे जो काम चालू था, मतलब पूरे रोड का जो भी अंडरलाइन वाटर सिस्टम थी वो पूरा क्लोज हो गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया पता है, वो जो चेम्बर रहता है ना, वो चेम्बर के आजू बाजू जो कंक्रीट डालते हैं वो कल डाला, आज उसको सूखने दिया और क्लोज कर डाला। मतलब जहाँ तक मेरे को पता है कंक्रीट को कम से कम 10 दिन आपको पानी देना होता है, तब वो जाके फिक्स हो जाता है, तब वो जाके कंक्रीट हो जाता है। लेकिन पता नहीं, सीमेंट को 10 दिन पानी देना होता है, तो लेकिन पता नहीं यार कैसे और क्यों इन्होंने बंद किया। अभी ये इनॉग्रेशन भी हो गया ये रोड के काम का, पता नहीं कब चालू होगा। मैं तो रेडी हो गया हूँ, मृणाल कब से रेडी बैठी है, मेरे एक काम चालू था, ऑफिस निकलना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आपकी ज़िंदगी का प्रवास सुखकर चल रहा होगा। अभी जल्दी रेडी होके ऑफिस जाते हैं, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह सुबह जब बाहर आऊँ ना, तो यहाँ पे बर्ड्स की चिवचिवाहट रहती है, उनका जो घोंसला है यहाँ पे, हाँ इसके अंदर, उस दिन मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। अभी ये देखो, ये ऊपर बैठे है, कुछ तो भी लेके आई। देखो देखो देखो, अंदर गई, वो घोंसले में गई, अपने घर में गई। स्काई भी मस्त है एकदम आज, सिर्फ बारिश नहीं हो रही यार, बारिश होनी चाहिए जल्दी। मृणाल तो बेसब्री से इंतजार कर रही है बारिश का, उसको भीगना है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो चलो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। मेरे तो मन कर रहा है स्कूटी पे ही ऑफिस जाए, देखते, क्योंकि वेदर अच्छा है ना इसलिए। चलो देखते मृणाल क्या बोलती है। आज स्कूटी पे जाने का, क्यों ऑफिस, ऐसे वेदर बहुत अच्छा है इसलिए। नहीं नहीं, बारिश होती तो जाते तो। ना ना, मेरी बैग भी फट गई यार, देखो मेरी हालत तो देखो। तो ऑर्डर करना बे, ऑर्डर कर लेंगे अपन। अपन थोड़ी ह्यूज वाली, बड़ी वाली बैग लेंगे, जिसमें दो लैपटॉप बैठ सकते हैं। बैग भी नहीं देता तुम। अभी गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, इसका मूड नहीं है। और वैसे भी जाने पे तो मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हालत बहुत खराब होती है ना। ठीक है देखते, निकलते निकलते जो मूड होगा वो अपन करेंगे। गाइस फाइनली गाड़ी में ही आए हम लोग। हाँ गाड़ी पे आना तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, धूप है, धूप धूप। यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे, यू आर मोस्ट वेलकम। ये जो क्या बोलते हैं कॉर्नर है ना ऑफिस का, इतना खूबसूरत दिख रहा है बस ये दो पौधों की वजह से। और यहाँ पे ये जो फ्रेम है, इस पे मतलब एक पोयम है जो रिलैक्सिंग है, मैं वहाँ पे कुछ तो भी इंस्पायरिंग डालूंगा, उसको चेंज करूंगा भी। मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, ये एस्थेटिक हो गया पूरा, एस्थेटिक नहीं मतलब ऐसा पीसफुल हो गया पूरा, मजा आ रही है। और भी देखते हैं, और ये एक है, ये भी अच्छा दिखता है। प्लांट्स होना, ग्रीनरी होना बहुत अच्छा दिखता है। और काम चालू हो गया देखो दोनों का। ओए मैडम क्या कर रही हो, ना ऐसे डायरेक्ट मेरे सामने क्या मेरे लगा, अब तू बिजी, क्या एक्शन दूं मैं ऐसे, और तू हमेशा बिजी होती है, बड़े लोग बिजी लोग, और हम ठहरे गांव वाले लोग।
ऐसे ऐसे खाना होता है ऑफिस का। आज मुरलाल ने प्लेट नहीं लाई, लेकिन ये डब्बे में खाना अच्छे तरीके से प्रॉपरली नहीं होता है। और काम भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, मेरा भी। यार दिन कैसे खत्म होता है समझ में ही नहीं आता। मतलब ऐसे सुबह होती है, ऐसे काम चालू हो जाते हैं, और जब तक क्या बोलते हैं चाय का ब्रेक होता है तब तक शाम हो जाती है। मतलब अभी तक 1.5 घंटा ही बचा है सिर्फ ऑफिस का, और काम तो ढेर सारे। देखते अभी क्या होता है। A few moments later. इसको आम भी खाना है, बारिश भी चाहिए। हमेशा जब भी आम ले रही है ना, तब मैं इसको बोलता हूँ सीजन का आखिरी आम है, सीजन का आखिरी आम है। लेकिन साली बारिश नहीं गिर रही। वैसे ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ लेडीज को ही अच्छी मतलब जमती है, बार्गेनिंग वगैरह करना। ये मम्मी को एक नंबर आता था, और अभी मृणाल को। उसने एक्चुअली क्या हो गया, मैं आपको सीन समझाता हूँ। कल मृणाल ने आम लाए, और उसमें से कुछ खराब निकले। अभी पूरे सीजन उसके पास से हम आम लेके जाते, तो उसको मृणाल ने बोला कल के आम खराब निकले भैया, ऐसे कैसे दिए। तो उसने बोला मैम टेंशन मत लो, मैं रिप्लेस करके देता हूँ। हाँ वही दूसरे देता हूँ, रिप्लेस नहीं दूसरे। तो उसने दूसरे आम भी दिए, मृणाल ने और 1.5 किलो आम खरीदे। एंड उसने रेगुलर जो गिराई को रेट रहता है ना, रेगुलर कस्टमर को 100 रुपये वाला, वो लगाया। उन्होंने बोलते ऐसे कैसे आप वो आम के पैसे मेरे से ले रहे हो क्या। फिर बोलते दे दो आपको जितना करने हो। हाँ। क्योंकि अभी साल भर पूरे फ्रूट्स का उसके उसी के पास रहता है ना। वो बच्चा दिख रहा है, वो अभी कुछ तो भी रील्स बिल्स शूट कर रहा था, मैं आपको दिखा था, अभी भी शूट कर रहा है। जो खड्डे में गाड़ी जंप हो गई, मोबाइल पूरा नीचे बच गया, वो दोनों पैरों के बीच में उसने उसको पकड़ा मोबाइल को, इसलिए बच गया। तो भैया मोबाइल तो गया था। ये देखो पिंक शर्ट लेफ्ट साइड को। और गाइस ये देखो रोड का काम चालू हो गया। ये क्या हो गया इतना ऊपर? तो ये लेवल आने वाली, वो वाले रोड की। कौन सी? नीचे वाली। ये MIT के अंडर ब्रिज के जो इतना इतना नीचे आने वाला है, ये जो पूरा ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, मतलब बारिश में टेम कार्ड था वो पूरा नीचे आने वाला है अभी। ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। कुछ भी नहीं दिख रहा, तू कैमरे से कुछ भी नहीं दिख रहा। ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो वो स्लोप है, वो लेवल और वो पीछे वाली लेवल, वो मैच करने वाले होने वाली है। मैच नहीं बे, ये लेवल को मैच करने वाले वो लोग। जिम खत्म कर ली, जिम खत्म करके मस्त गाड़ी पे आया था। बहुत मजा आती है शाम के टाइम पे, एकदम प्लीजेंट वेदर रहता है, एंड प्लीजेंट वेदर में गाड़ी पे घूमना मजा ही कुछ और है ना। बारिश का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम पे टेम्परेचर पूरा कम रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। तो चलो निकलते हैं अभी जल्दी घर पे।
अभी सीधे घर में, और वो देखो वहां पे खड़ी है। भाई साहब जिम से आने के बाद तो मेरे को शौक ही लगा। तो भी एक पेंटिंग मेरी खराब हो गई। आज तो पेंटिंग का मुहूर्त निकला है। अभी तक कुछ आया नहीं? नहीं आया, लेकिन वो नहीं, नीचे नहीं। नीचे की पेंटिंग है वो छुपा की। कंप्लीट होने के बाद कल के ब्लॉग में। अभी ध्यान में आया, मुझे 10 बजे ध्यान में आया कि मैं आज पेंटिंग कर सकती हूँ। हाँ मेरा मूड हुआ। तो गाइज ये पेंटिंग क्यों बन रही है ये कल के व्लॉग में आएगा। पेंटिंग और क्यों बन रही है दोनों कल के व्लॉग में जरूर देखना। आज तो मस्त गेस करो, आप कमेंट में बोल सकते हो। हाँ आप कमेंट में बोलो आज मृणाल ने इतने थकी हुई है, इतने मतलब एग्जॉस्टेड है तो भी बैठ के पेंटिंग क्यों कर रही है। और ये देखो मस्त रिंग लाइट वगैरह लगा के पेंटिंग चालू है। मुझे दिखा नहीं है। तो चलो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो किसी भी कारण आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे सेफ।